आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो जे मेंस के 24 फरवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपने क्या कह रहा है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी टेन सिग्मा आर इक्वल टू वन से लेकर के एन तक दे रखा है, टेन इनवर्स वन अपॉन वन प्लस आर प्लस आर स्क्वायर के बराबर दे रखा है, इज इक्वल टू इसका वैल्यू आपने क्या निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए, काफी ज्यादा सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा टफ होते नहीं है, बस आपको देखने में टफ लगता है। सबसे पहले क्या कीजिए, इसको पीस वाइज में सॉल्व कीजिए। अपन क्या करते हैं, सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको क्या मानते हैं, टी आर मान लेते हैं। टी आर आपने क्या किसके बराबर दे रखा है, तो टेन इनवर्स वन अपॉन वन प्लस आर प्लस आर स्क्वायर के बराबर, ये अपने पास टी आर दे रखा है। अपन क्या माने, इतना को टी आर मान लिए, जब इतना को टी आर मान लिए हैं तो इसको सॉल्व कर लिए, इसको सॉल्व किए तो टी आर अपने पास क्या आ जाएंगे, तो टेन इनवर्स डिनोमिनेटर में ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है, तो डिनोमिनेटर में वन सेपरेट किया जाता है, वन प्लस पहले से सेपरेट करके देख रखा है एग्जाम में, तो आर कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस वन के बराबर, और इसका डिफरेंस नॉमिनेटर में बताना है, तो इसका डिफरेंस नॉमिनेटर में पहले से दे रखा है, हाँ या ना। देखिए r प्लस वन और माइनस टाइम्स r, यही ऊपर दे रखा है, और इस दोनों का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में दे रखा है, यानी अपने का टी आर इसके बराबर होगी, यानी ये जो टी आर है वो अपने का किसके बराबर दे रखा है, टेन इनवर्स r प्लस वन और माइनस टाइम्स टेन r के बराबर, हाँ या ना, ये अपने का किसके बराबर, इसको सॉल्व करिए, इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, बाहर में अपने का सिग्मा लगा हुआ तो सिग्मा लगा दीजिए, जैसे अपने का सॉल्व करने के बाद सिग्मा लगाइए, आर इक्वल टू वन से लेकर के एन और टी आर के बराबर, तो यहाँ से सिग्मा लगाइए, सिग्मा लगाए तो आर इक्वल टू वन से लेकर के कहाँ तक, तो एन तक, ये आ गया, और यहाँ से आपने क्या आ जाएंगे, टेन इनवर्स आर प्लस वन और माइनस टाइम्स टेन किसके बराबर हो जाएंगे, तो आर के बराबर, ठीक है, और इस पूरे में सिग्मा लगा हुआ, तो चलिए आर इक्वल टू वन डालेंगे तो आपने क्या किसके बराबर हो जाएगा, तो टेन इनवर्स टू के बराबर माइनस टाइम्स टेन इनवर्स वन के बराबर, सिमिलरली आपने क्या नीचे डालते जाइए तो टेन इनवर्स थ्री और माइनस टाइम्स टेन इनवर्स टू के बराबर, आर इक्वल टू फोर डालिए आप तो टेन इनवर्स सॉरी ये वन टू थ्री डालिए तो यह गया फोर और माइनस टाइम्स टेन इनवर्स फोर के बराबर। अब तो पता चल ही गया होगा कि क्या लिखना है, आर इक्वल टू आर की जगह एन डाल दीजिए, तो टेन आर प्लस एन प्लस वन के बराबर, टेन एन प्लस वन के बराबर माइनस टाइम्स टेन इनवर्स किसके बराबर, तो एन के बराबर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अपने पास कुछ कैंसिल आउट है, तो ये टू टू कैंसिल आउट थ्री, अच्छा ये अपने पास टू टू कैंसिल, ये थ्री हो जाएंगे ना, यहाँ से अपने पास ये थ्री हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट, ये फोर फोर कैंसिल आउट, ये अपने पास कैंसिल आउट होते जाएंगे, तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा ये एक बच जाएंगे और अपने पास ये बच गया, ठीक है, ये दोनों बच गए, यानी अपने पास सिग्मा आर इक्वल टू वन से लेकर के कहाँ तक दे रखा है, एन तक, टी आर इक्वल टू किस आ जाएगा, टेन इनवर्स एन प्लस वन और माइनस टाइम्स टेन इनवर्स वन के बराबर, माइनस कहाँ से आया, क्योंकि ये माइनस साइन के साथ बचा था, ठीक है, तो ये आपने क्या इसके बराबर हो गया, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आपने क्या आ जाएंगे, टेन इनवर्स एन प्लस वन और माइनस टाइम्स वन के बराबर, और अपॉन में आपने क्या आ जाएगा, वन और प्लस टाइम्स एन प्लस वन और इनटू में आपने क्या वन के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपने क्या कैसे ये लिख दिए, तो यहाँ से देखिए टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, तो ये फॉर्मूला लगे, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से ये सॉल्व करने के बाद हमारे क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एन और अपॉन में आ गया अपने के पास एन प्लस टू के बराबर, यहाँ से सॉल्व कर लिए, वन अंदर मल्टीप्लाई गया तो एन प्लस टू के बराबर। अब देखिए बाहर में आपने क्या टेन लगा हुआ है, इसके बाहर में टेन, फिर आपने क्या लिमिट लिया हुआ है, तो चलिए बाहर में टेन लगा दीजिए, बाहर में टेन लगाने से पहले इसको क्या कीजिए, इधर कर दीजिए और बाहर में यहाँ से आपने क्या ये क्या देगा, सिग्मा आर इक्वल टू वन से लेकर के एन तक, और ये अपने पास टी आर के बराबर, इसके बाहर में अपने पास टेन लगाना है, तो ये टेन लगा दीजिए, इधर भी अपने पास टेन लगा दीजिए, जैसे ही टेन लगाए तो ये अपने पास टेन इंटू टेन इनवर्स थीटा, थीटा के बराबर होता है, तो एन अपॉन एन प्लस टू के बराबर ये हो जाएगा, यानी अपने पास ये इसके बराबर हो गया। अब अपने पास इसमें लिमिट लगा हुआ, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये आ गया अपने पास टेन इंटू टेन इंटू टेन इंटू टेन इनवर्स आर इक्वल टू वन से लेकर के कहाँ तक, एन तक, और ये आ गया अपने टेन इनवर्स, इसको थोड़ा सा इधर कर दीजिए, टेन इनवर्स वन अपॉन, यहां से अपने आ जाएगा वन प्लस आर स्क्वायर के बराबर, ये अपने कैसे दे रखा है। जब इधर लिमिट लगाया है तो इधर अपने कैसे क्यों छोड़े, दोनों तरफ लिमिट जिधर लगाना है उधर भी दोनों तरफ लगाना है, तो इधर भी लिमिट लगा दीजिए, जैसे अपने कैसे लिमिट एन टेंडिंग टू
इन्फिनिटी कीजिएगा तो यहाँ से आपने क्या लिमिट की बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने क्या 1 के बराबर हो जाएगा इसका लिमिट। ये तो आपने क्या बेसिक क्वेश्चन है लिमिट का, ये आपने क्या पहले लेक्चर में बताया जाता है। तो एन इक्वल टू आपने किस पर आ जाएगा 1 के बराबर। तो ये आपने क्या 1 इसमें फिल इन द ब्लैंक में फिल हो जाएंगे, इसमें क्या फिल हो जाएंगे 1 फिल हो जाएंगे। तो इसके आपने क्या करेक्ट आंसर क्या आ जाएंगे 1 हो जाएंगे, ठीक है। 1 आपने क्या दिख नहीं रहा अच्छे से, ठीक है। तो ये आपने क्या क्या आ जाएंगे 1 आपने क्या इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे आपने के पास जे मेन्स के 24 फरवरी 2021 के शिफ्ट 5 का क्वेश्चन, और काफी आसान क्वेश्चन के कैटेगरी में रखा जा सकता था। इसको आसान नहीं, मॉडरेट में रखा जा सकता था, क्योंकि लिमिट विमिट सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं और सेट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।